बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट से पहले लोग पूछते हैं कौन से टेस्ट करवाए जाएं, तो ये वीडियो में आपको टेस्ट बता देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो जाए, सवाल ये बार बार आपको करना ना पड़े। सबसे पहले तो आपने, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अपना शुगर टेस्ट करवानी है, अगर आप डायबिटिक हैं तो HbA1c अपनी करवाएं। इसमें 3 माँ की जो आपकी बॉडी की शुगर होती है उसकी रिपोर्ट आती है कि ये कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल। अगर 6.5-7 तक आती है तो ये कंट्रोल्ड है। अगर 8-9-10-11 तक आती है, इसका मतलब आपकी 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। बाकी जिनको शुगर नहीं है वो सिंपल टेस्ट करवा लें, रैंडम ब्लड शुगर RBS। तो ये अगर आपकी 140 तक है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा टेस्ट आपका आ जाता है CBC। CBC में पता चल जाता है कि कितने बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स तो नहीं बढ़े हुए, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, HB कितनी है। तीसरा टेस्ट आ जाता है हेपेटाइटिस सी, चौथा आ जाता है हेपेटाइटिस बी और HIV, और 5वां 6वां टेस्ट आता है PTAPT, यानी आपका ब्लड पतला तो नहीं। हार्ट के पेशेंट्स में असल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हुआ होता है, यानी ब्लड पतला होता है, जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ऊजिंग ज़्यादा हो सकती है। तो ये हम टेस्ट करवाते हैं ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल रहे, ऊजिंग ना हो। जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ऊजिंग होगी, तो हेयर ट्रांसप्लांट मुतासर हो सकता है। जैसे ही हम अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT आपका ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, व्यू ख़राब हो सकता है, ग्राफ्ट्स कम निकलेंगे, पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ऊजिंग ज़्यादा होगी, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये टेस्ट हैं जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले करवाने होते हैं। तो इस वीडियो के मुताबिक अगर आपने अपनी बुकिंग करवानी हो तो ये टेस्ट आप पहले करवा लें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, इंशाल्लाह ताला हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।